Hello everyone, welcome back. I hope you all are fine and sane. So in this video we are going to see the solution of chapter number 9, Nirbhay Bano, Vibhag 2, Vyakaran Adharit. So let's begin with question number 1. Question number 1 is, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. So number 1, मुठिया वसूलना. अर्थ, किसी अच्छे काम के लिए मुट्ठी भर अनाज लोगों से मांगना. इट्स अनाज, सो मेक करेक्शन, अनाज लोगों से मांगना. वाक्य, देखो मुठिया वसूल कर वह बोरी भर अनाज ले गया. नंबर 2, भला चंगा. अर्थ इज स्वस्थ एंड वाक्य इज वैद्य ने कुछ ही दिनों में रोगी को भला चंगा कर दिया. नेक्स्ट नंबर 3, सिर से पैर तक देखना. अर्थ, भली भांति देखना. वाक्य, इंस्पेक्टर ने अपराधी को सिर से पैर तक देखा. नेक्स्ट नंबर 4, महीन बात. अर्थ, सूक्ष्म बात. वाक्य, बाबू आप हम गांव वालों की महीन बातें नहीं समझ सकते. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कहावतों का अर्थ देखकर वाक्य प्रयोग कीजिए. नाउ दिस कहावत, अब इनके जो आंसर्स हैं ठीक है काफ़ी बड़े हैं, तो इनके वाक्य में प्रयोग करना थोड़ा यहाँ पे फिट करना डिफ़िकल्ट था, इसलिए मैंने इनके आंसर्स लास्ट पेज पर अटैच कर दिए हैं, तो वो हम एंड में देख लेंगे. ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए. सो नंबर 1, गरीब अमीर. नंबर 2, प्यार नफरत. नंबर 3, स्वस्थ अस्वस्थ. नंबर 4, गलत सही. नंबर 5, उजड़ा हरा भरा. नंबर 6, इच्छा अनिच्छा. नंबर 7, बीमार स्वस्थ. नंबर 8, आग्रह निराग्रह. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए. नंबर 1, सुबह प्रभात. नंबर 2, शाम सांझ. नंबर 3, दल झंड. नंबर 4, कमज़ोर दुर्बल. नंबर 5, मकान घर. नंबर 6, आग्रह अनुरोध. नंबर 7, तन्मय तल्लीन. नंबर 8, विकल व्याकुल. नंबर 9, हर्ज नुकसान. नंबर 10, हैजा कॉलेरा. नंबर 11, पखेरू पक्षी. नंबर 12, खचड़ा मूर्ख. नंबर 13, बूझना समझना. नंबर 14, डैना पंख. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए. नंबर 1, दूसरों के किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ. नंबर 2, दूसरों के लिए किए गए उपकार को न मानने वाला कृतघ्न. नंबर 3, मुर्दों के चीर फाड़ की जगह पोस्टमार्टम हाउस. नंबर 4, जहां बीमारों को भर्ती करके इलाज होता है अस्पताल. नंबर 5, पुराना टूटा हुआ मकान या इमारत खंडहर. 6, रेतीला नदी पट बालूचर. नंबर 7, खराब या असभ्य शब्द अपशब्द. नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग पहचान कर लिखिए. नंबर 1, निर्भय निस प्लस भय. नंबर 2, प्रयत्न प्र प्लस यत्न. नंबर 3, व्याकुल वी प्लस आकुल. नंबर 4, अपशब्द अप प्लस शब्द. नंबर 5, प्रत्येक प्रति प्लस एक. नंबर 6, अपवित्र अ प्लस पवित्र. नंबर 7, अनुरोध अनु प्लस रोध. नंबर 8, अनिच्छा अन प्लस इच्छा. नंबर 9, निराग्रह निर प्लस आग्रह. नंबर 10, प्रशासन प्र प्लस शासन. नंबर 11, निष्कपट निस प्लस कपट. नंबर 12, सुक्ति सु प्लस उक्ति.
नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय पहचान कर लिखिए. नंबर 1 बच्चा, एक्चुअली द वर्ड इज बचपन, सो बच्चा प्लस पन, बिकॉज वी कैन नॉट फाइंड प्रत्यय फ्रॉम बच्चा, सो मेक करेक्शन, द वर्ड इज बचपन एंड फ्रॉम दैट वी कैन डिराइव द प्रत्यय बच्चा प्लस पन. नंबर 2 निडर, नीह प्लस डर. नंबर 3 शिक्षक, शिक्षा प्लस क. नंबर 4 रोगी, रोग प्लस ई. नंबर 5 जिम्मेदार, जिम्मा प्लस दार. नंबर 6 अडंगेबाज, अडंगा प्लस बाज. नंबर 7 विकसित, विकास प्लस एत. नंबर 8 पयोदा, पयह प्लस दा. नंबर 9 सेवाभावी, सेवाभाव प्लस ई. नंबर 10 महत्व, महत प्लस त्व. नंबर 11 पहलवान, पहल प्लस वान. नंबर 12 डरने वाला, डरना प्लस वाला. नंबर 13 आंचलिक, आंसर अंचल प्लस ईक. 14 पीड़िता, पीड़ा प्लस इता. नंबर 15 सरकारी, सरकार प्लस ई. नंबर 16 दिनकर, दिन प्लस कर. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए. नंबर 1 प्रियोदा सबको दुनिया भर की खबरें सुनाते थे, आंसर खबरें. नंबर 2 वाह बहुत मिठास है आपके गले में, आंसर मिठास. नंबर 3 धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदाई ली, आंसर विदाई. नंबर 4 तुम्हारी उम्र में मुझे भी डर लगता था, आंसर डर. नंबर 5 पढ़ने में तनीश की तन्मयता बढ़ती जाती है, आंसर तन्मयता. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से कर्तुवाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए. नंबर 1 गंतव्य आते ही गाड़ीवान ने गाड़ी रोक दी, आंसर गाड़ीवान. नंबर 2 दिनकर के निकलते ही संसार भर में प्रकाश फैल गया, आंसर दिनकर. 3 शिक्षा देते हुए शिक्षक ने अपने शिष्यों को जीवन संदेश भी दिया, आंसर शिक्षक. नंबर 4 खेल के दौरान खिलाड़ी ने अपने सारे कौशल दिखाए, आंसर खिलाड़ी. नंबर 5 कहानीकार ने अपनी कहानी की कथा वस्तु का बीच एक सत्य घटना से लिया, आंसर कहानीकार. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से विशेषण पहचान कर लिखिए. नंबर 1 सूर्य नारायण पढ़ने में कमज़ोर है, आंसर कमज़ोर. नंबर 2 लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है, आंसर सरकारी. नंबर 3 आपस में बातचीत से सिलसिले में कोई खराब शब्द नहीं बोलेगा, आंसर खराब. नंबर 4 इब्राहिम महीन बात देरी से पूछता है, आंसर महीन. नंबर 5 उसका जोड़ा विकल होकर देर तक रोता रहा, आंसर विकल. प्रियोदा का दल बीमार लोगों की सेवा करता है, आंसर बीमार. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कहावतों को अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए. सो नंबर 1 अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा. अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन, वाक्य उस कार्यकाल का कोई कर्मचारी काम नहीं करता क्योंकि वहाँ का अधिकारी ही भ्रष्ट है. चारों तरफ अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा वाली बात है. नेक्स्ट मार के पीछे भूत भागे, अर्थ इस किसी भी तरह से समस्या का हल करना, वाक्य जब समस्या हद से बढ़ जाती है तब सरल उपाय के बजाय कठिन या शिक्षात्मक रवैया अपनाना इसे कहते हैं. मार के पीछे भूत
भागे। नंबर 3, कांड की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, अर्थ छल कपट तथा चालाकी से एक बार ही काम निकलता है। वाक्य, एक बार तो तुम मुझे धोखा देकर रुपए ले जा चुके हो, अब मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आ सकता क्योंकि कांड की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। नंबर 4, होनहार बिरवान के होते होत चिकने पाथ, अर्थ योग्य व्यक्ति के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं। वाक्य, गोपालदास नीरज ने पहली कविता 10 वर्ष की उम्र में ही लिख दी थी। सच है, होनहार बिरवान के होत चिकने पाथ। So here we complete the solution of this chapter. If you have any doubt, query or suggestion, let me know in the comment section. I will see you in the next video with a new chapter. Till then, bye-bye. Take care.